आज 26 अगस्त को जानते हैं कि क्या रही मुख्य सुर्खियां। कश्मीर के हालात कुछ ठीक नहीं है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। लेकिन राहुल माने न माने, ट्रंप ने मान लिया है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है। आज G7 समिट पे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पे ट्रंप बोले कि कश्मीर मोदी जी के कंट्रोल में है। वैसे मोदी जी के इस ट्रंप काट से पाकिस्तान परेशान हो रहा है। G7 समिट में आज डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कश्मीर मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल मामला है और इस पर वो किसी अन्य देश को परेशान नहीं करना चाहते। कश्मीर में खतरा हो ना हो, लोकतंत्र आज फिर खतरे में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज पी चिदम्बरम के एंटीसिपेटरी बेल याचिका को खारिज कर दिया और INX मीडिया मामले में CBI की गिरफ्तारी से उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता। वैसे पी चिदम्बरम के अरेस्ट के बाद देश में नेशनलिज्म की एक नई लहर दौड़ी है। पहले कांग्रेस नेताओं ने अपने पार्टी के खिलाफ जाकर मोदी सरकार को आर्टिकल 370 हटाने पर समर्थन दिया और अब मायावती भी बनी राष्ट्रवादी। राहुल गांधी को कश्मीर जाने पर मायावती ने फटकार लगाई और उनसे अनुरोध किया कि सरकार को स्थिति संभालने के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि मायावती को 370 से डर नहीं लगता, लेकिन उन्हें ये डर है कि CBI कहीं हाथी पर ना सवार हो जाए। आज इंटरनेशनल डॉग डे पर हम इंडियन आर्मी के डॉग यूनिट को याद करते हैं जो हमारे सेना बल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जरूर याद रखिएगा कि राहुल गांधी ने इन्हीं बहादुर डॉग्स का कुछ समय पहले मजाक उड़ाया था। वैसे कांग्रेस के पिद्दियों को भी हमारी तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल डॉग डे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को दी गई SPG सिक्योरिटी को आज गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, लेकिन उन्हें CRPF वाली सेट सिक्योरिटी अभी भी मिलती रहेगी। वैसे देखा जाए तो मनमोहन सिंह जी को कोई खतरा नहीं, ज्यादा लोगों को याद भी नहीं कि वो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लोगों को छोड़िए, उन्हें खुद भी विश्वास नहीं कि 10 साल तक बिना कोई खबर के वो देश के प्रधानमंत्री थे। रोजाना के अपडेट्स और नैरेटिव जानने के लिए रोज शाम 7 बजे देखिए KTN न्यूज़।